नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, इस बारे में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ इशारे और संकेत ऐसे जरूर होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही रुपयों पैसों के साथ भी होता है। कोई भी व्यक्ति कितनी ही सेविंग क्यों ना कर ले, लेकिन उसे कभी ना कभी पैसों की दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा अचानक नहीं होता, बल्कि चाणक्य की नीति की माने तो धन की देवी महालक्ष्मी आपके घर से रूट कर जाने से पहले कुछ ना कुछ संकेत जरूर देती हैं। दोस्तों, अगर आपने इन संकेतों को नहीं समझा तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि लक्ष्मी जी का घर से जाना और घर में गरीबी के आने के आखिर क्या कारण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों, नंबर एक, मनी प्लांट का सूखना। जी हां दोस्तों, अगर आपने अपने घर या बालकनी में मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है और पूरी देखभाल करने के बाद भी इस पौधे के पत्ते सूखने लगे या पूरा पौधा ही मुरझाने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि देवी लक्ष्मी आपसे नाराज है और भविष्य में आपको आर्थिक नुकसान और रुपयों पैसों की कमी हो सकती है। लिहाजा लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना के साथ ही अपने खर्च के मामले में भी सावधान हो जाइए। दोस्तों, नंबर दो, नल का टपकना। घर के किचन या बाथरूम में लगे नल या फिर पानी की टंकी अगर टपकने लगे तो यह भी देवी लक्ष्मी के नाराजगी का एक संकेत हो सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जब घर की नल टपकने लगती है तो खर्चों में बढ़ोतरी होती है और आगे चलकर आर्थिक संकट की समस्या भी हो सकती है। लिहाजा नल को सही करवाने के साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की भी कोशिश करें। दोस्तों, नंबर तीन, पैसों का जमीन पर गिरना। अगर आपके हाथ पर्स या जेब से फिसल कर रुपये पैसे जमीन पर गिर जाएं, तो उन्हें तुरंत उठाकर सिर से लगाएं और धन की देवी मां लक्ष्मी से माफी मांग लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर चार, सपने में चोरी होते हुए दिखना। स्वप्न शास्त्र या स्वप्न ज्योतिष के अनुसार अगर आप सपने में फटी हुई जेब देखें या चोरी होते हुए देखें या सपने में चोर या डाकू को देखें तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये सारे सपने भविष्य में होने वाली किसी बड़ी आर्थिक हानि या परेशानी का संकेत देते हैं। और दोस्तों, नंबर पांच और आखिरी पॉइंट, छत पर कौए का बैठना। अगर घर की छत पर दक्षिण दिशा की ओर कोई कौआ बैठा हो तो इसे भी अशुभ माना जाता है और भविष्य में होने वाले धन हानि के संकेत के रूप में देखा जाता है। लिहाजा बेहद जरूरी है कि आप पैसों को संभल कर और सावधानी के साथ खर्च करें, इसी में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि लक्ष्मी का घर से जाना और घर में गरीबी का आने के ये पांच बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से आप गरीब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी सेवा में ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।